पाकिस्तान टोटली शोर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट कि वट दे आर मेड ऑफ़ क्या प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली क्या वैल्यू रखते हैं और एज ए टीम जब आ जाए तो वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इंडिया को वन साइड मैच हरा देते हैं yeah. 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 असलम एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल रिव्यू विद मरीना इकबाल आज की डेट याद रखें 24 अक्टूबर 2021 क्या मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला ग्रुप मैच आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान ने टोटली डोमिनेट किया ये मैच टॉस जीतने से लेकर रिजवान के विनिंग रन स्कोर करने तक पाकिस्तान वॉज अनबिलीवेबल आई एम so सो ग्लैड कि जिस तरह का प्लान था जो एक्सिक्यूशन थी मोर इम्पॉर्टेंटली वो स्पॉट ऑन रही पिछले वीडियो में ये बात हो रही थी कि क्या फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को मद्द नज़र रखने आई एम सो हैप्पी कि वो ही प्लान बना जो प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत मैंने की थी वो काफ़ी एक्यूरेट हुई स्पेशली रोहित शर्मा और के एल राहुल को लेके रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं जब बॉल अंदर आ रहा होता है फोलर लेंथ पे शाहीन अफरीदी वो स्पॉट ऑन विद इट एंड के एल राहुल लेंथ बॉल आई सेड चाहे वो आउटसाइड ऑफ स्टम्प हो या फोर्थ स्टम्प हो या फिर लेंथ बॉल अंदर आए एंड दैट वॉज अनप्लेबल बॉल फ्रॉम शाहिन शाह अफरीदी आई मीन हार्ड्स ऑफ टू हेम जिस तरह की मेहनत की है जिस तरह का टम्परामेंट है आज नज़र आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से बाबर की बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम टॉस से लेकर मैच के एंड तक विराट कोहली ऑबियसली हीज है जो कैलेबर है उनका एज अ कैप्टन एज एन बैटर वो तो ऑबली है बट थोड़ा सा मुझे आज हुआ कि टॉस पे कोई भी कैप्टन होता है नॉर्मली अगर टॉस उसकी फेवर में ना जाए तो ये बात मैंशन नहीं करता कि वो वी वुड हैव लव्ड टू बोल फर्स्ट एज वेल क्योंकि थोड़ा सा एक माइंड सेट जो है वो ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज चला जाता है कि आप ऑलरेडी बैकफुट पर चले गए हैं टॉस हारने के बाद और जो डिसीजन हुआ वो आपकी फेवर में नहीं हुआ एनी वेज uh, थोड़ा सा आई फील कि कोई भी कैप्टन हो तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करता नन फिर भी उसके बाद एक्सिक्यूशन बहुत ज़रूरी थी मैंने ये बात बोली थी कि तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान को अपनी ए गेम लेके जानी पड़ेगी फ्रॉम बॉलिंग स्टार्ट जो मिला शाहिन् जैफ्री दी हैड्स ऑफ उसके बाद हसन अली ने ब्रेक थ्रू दिलवाया अगेन मैं ये पिछली वीडियो में बोल चुकी थी कि, कि कोई भी बैटर हो चाहे वो इनफॉर्म हो ना हो स्टार्ट में इनिशली वो वर्नेबल होता है और वहाँ पे टारगेट करना पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था uh, सूर्य कुमार यादव आए ही ओबियसली वी ऑल नो के अच्छी फॉर्म में थे बट खड़े खड़े चेस किया बॉल को हसन अली की जानब से जो उन्होंने आउटसाइड ऑफ दम कराई थी एंड दैट कैच बाय रिजवान आई मीन वंडरफुल गाय ही इज एन ही इज़ अ ब्लेसिंग एज वेल टू पाकिस्तान बट बाकी उसके बाद इमाद वसीम के ओवर स्टार्ट में शाह शाहफरीदी के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो इम्पोर्टेंट था वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप रखा शादाब तो के काफ़ी बातें हुई दो ओवर्स में उन्होंने रन दे दिए थे बट लेफ्ट जब आया उसको गुगली कराई दैट वॉज टर्निंग पॉइंट एंड आई थिंक कि बाबर वॉज़ वेरी स्पॉट ऑन विद हिज डिसीजन बॉलिंग चेंजेस से ले कर टॉस तक पिच रीडिंग तक एंड अगेन जो फील्ड प्लेसमेंट होती रही है ही वॉज़ प्रटी गुड शादाब को दोबारा वापस लाना इस्पेली जब लेफ्ट खेल रहा हो क्योंकि शादाब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कम्फर्टेबल जब वो गूगली कराते हैं और उसी पर विकेट हासिल की पंथ की एंड आई थिंक पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल भी मोमेंटम uh, वापस लाने का मौका नहीं दिया पंथ और विराट कोहली की पार्टनरशिप uh, लगी थी विराट कोहली अगेन ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल आसान नहीं था एक एंड से विकेट्स गिरती जा रही थी एंड भी सेफ करना था उसके बाद स्कोर भी करना था आई थिंक इट वॉज़ नॉट आई थिंक बट इट वॉज अ ब्रिलियंट एंड एक्सेप्शनल इनिंग्स बाई हेम और हारिस राउस का भी जिक्र करते चले उन पर काफ़ी बातें हो रही थी बट आज ही वो स्पॉट ऑन विध हिज लाइन एंड लेंथ स्लो वन भी जो कराएं जो कटर्स कराए वो अच्छी लाइन लेंथ पर कराए और एक अच्छा कॉन्फिडेंट रोल उन्होंने प्ले किया बॉलिंग लाइन में एंड आई थिंक इंडिया ने एट द एंड ऑफ द इनिंग्स भी जब एक्सीट करने गए तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो डोमिनेट करते बट एनी वेज बैटिंग पे आएँ सो आई थिंक कि बाबर और रिजवान जिस तरीके से खेले स्टार्ट में इट वाज एक्सेप्शनल अपने लिमिटेड दोनों एरियाज़ में खेलते रहे क्योंकि ऑब्वियसली टारगेट बहुत बड़ा नहीं था बट इट वाज अ ट्रिकी टारगेट स्पेशली कंसिडरिंग के इंडिया की फील्डिंग और बॉलिंग जो है अटैक वो अच्छा था आई थिंक इंडिया मिस्ड आउट विद राहुल चाहर इस विकेट पर उनका अफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा थे इंस्टेड ऑफ चक्रवर्ती बट एनी वेज इट वर्क फॉर आस बट जिस तरह पेस किया इनिंग्स को रिजवान और बाबर ने दैट वाज एक्सेप्शनल आई मीन दोनों की बेस्ट चीज़ जितना भी मेरा इंटरेक्शन दोनों से हुआ बातचीत रही है सबसे बेस्ट चीज़ उन दोनों की और जो रीज़न है उनकी कंसिस्टेंसी की वो ये है कि वो ना रनस को ना फॉर्म को ना मैच विनिंग इनिंग्स को फो ग्रांटेड लेते हैं दोनों ही और यही रीज़न है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं जो जब भी उनसे बात हुई वो यही कहते हैं कि जी हम एक मैच खेलते हैं विलीव दैट इनिंग्स आउट चाहे हमने सौ किया हो चाहे जीरो किया हो हम नेक्स्ट मैच में ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक द वे देश क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा रन uh, रेट बढ़ना शुरू हो गया था और लग रहा था कि शायद थोड़ा पीछे फॉल आउट कर रहा है पाकिस्तान बट नहीं राइट टाइम पर अटैक किया राइट टाइम पर बॉल्स पिक किए जिनको अटैक करना था एंड आई मीन इट वॉज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इंडिया को हराना एक बात है बट इतना डोमिनेटली हराना दैट्स अनबिलीवेबल एंड आई ऑलवेज से कि जब आप एक नेशन को एक टीम को पुश बैक करते जाते हैं उनको पीछे धकेलते जाते हैं उनको साइडलाइन करते जाते हैं फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस निकलती है पाकिस्तान टोटली शोर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट कि वट दे आर मेड ऑफ़ क्या प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली क्या वैल्यू रखते हैं और एज ए टीम जब आ जाएँ तो वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इंडिया को वन साइड मैच हरा देते हैं आई मीन अनबिलीवेबल हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम और आई होप कि ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट जो मिला है इसको कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है अगला मैच न्यूजीलैंड से है उसके बाद अफगानिस्तान को आप हल्का नहीं ले सकते स्कॉटलैंड अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है एंड ऑबियसली नमीबिया होगा बट आई थिंक कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्टार्ट टू अ टूर्नामेंट अब सेमीफाइनल्स पक्के करने हैं सबसे पहले उसके बाद आई वुड फील एंड से गो फॉर द ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप जीतने के लिए स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया स्टार्ट को कैपिटलाइज़ करना ज़रूरी है प्लानिंग रखें कीप योर सेल्फ काम प्लान ज़रूरी है बट एक्सिक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आज नजर आई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच जीता है सबसे पहले तो आई I मीन mean, सबसे पहले टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना ज़रूरी है उसके बाद हमारी तो पूरी नेशन को जो भी मैनेजमेंट थी जो लोग पीछे खड़े रहे इन सबको ये सब मुबारक बात के लायक हैं हम सब की दुआएँ थी बट येस दिस इज़ जस्ट स्टार्ट अब यहाँ से कैपिटलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और आई uh, थिंक ये बात में मिल गया ओवरऑल अच्छा होगा परफॉर्मेंसेज हुई हैं एज ए टीम बहुत ज़्यादा एज uh, मिल गया और अब ट्रॉफी इज़ दी अल्टीमेट गोल तो ये याद रखना ज़रूरी है हमें एज ए नेशन भी कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती इट वॉज़ जस्ट one game and first game of this tournament tournament abhi baaki pada anyways filhal aage ka nahi sochna aaj ki jeet ka sochna hai aaj enjoy or celebrate karne ka and i hope that you guys would have loved the match i mean i am still in awe and it's unbelievable cricket jo kheli pakistan team na. it was total domination Or yahi hai pakistan team ka potential but don't forget that this was just one win आगे मैचेस होते रहेंगे उस पर भी तब बात करेंगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा कोई ऐसा मोमेंट जब लगा कि शायद थोड़ा सा मैच फंस रहा है नहीं फंस रहा और परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की कैसी लगी एंड आई वुड बी टेकिंग योर कमेंट्स एज़ वेल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी अगले मैच से पहले एंड डू टेक केयर सेलिब्रेट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद